मुहाना की, जहां हमारे संवाददाता ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। आइए आपको दिखा देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है राजीव प्रजापति। आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा का खास कार्यक्रम रात के रिपोर्टर। 12 जुलाई को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक योजना शुरू की थी डायल 112। आज हम उसी डायल 112 पे हैं। ये सामने मेरी गाड़ी खड़ी है, जो है डायल 112 दिखा देते हो, बस एक कॉल दूर। इनसे बात करेंगे, कर्मचारी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे किस तरह से काम करती है, किस तरह से जो है लोगों को फ़ायदा इससे हो रहा है। मेरे साथ बैठे हुए इंचार्ज साहब यहाँ पे हैं। इंचार्ज साहब एक बार बाहर आइए, कुछ बात करने। इंचार्ज साहब मेरे सामने हैं और इनसे कुछ बात करते हैं किस तरह से जो है ये गाड़ी काम करती है, किस तरह से लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है। जी, क्या नाम है आपका? सर लक्ष्मीचंद। लक्ष्मीचंद जी, किस तरह से गाड़ी काम करती है, कितने टाइम लगता है पहुंचने में, जो है किस समस्या को लेकर कॉल आती है आपके पास? सर हम 12-13 मिनट में पहुंच जाते हैं, पब्लिक की सेवा सुनते हैं। बात करें सुरक्षा यंत्रों की, किस तरह के सुरक्षा यंत्र आपको जो है मुहैया कराए गए हैं? सारे सुरक्षा यंत्र हैं पूरे। और अभी स्टाफ की बात करें, स्टाफ कितना जो गाड़ी के अंदर होता है? स्टाफ 3 आदमी है। किस तरह से कॉलिंग आती है, कहाँ कॉलिंग आती है, एक बार दिखाओगे कि किस तरह से कॉल आती है? जी, अभी कॉलिंग दिखा रहे हैं, किस तरह से कॉलिंग आती है, किस तरह से जो है फ़ोन आते हैं, वो सारी चीज़ें आपको ये कर्मचारी हैं जो बताएंगे किस तरह से जो है लोगों को सुविधाएँ इसकी हैं। ये देखिए जी, ये पीएफटी है जी। क्या नाम है जी? पीएफटी जी। आप क्या नाम है आपका? नीरज कुमार। आप ड्राइवर हो? हाँ जी सर जी। अब किस तरह से कॉलिंग आती है इस पे? सर इस पे जैसे कॉल आएगी जी, ये आवाज़ देगा बीप की जी, और इसके पास यहाँ पे केस आ जाएगा। ये जैसे केस आ रहे हैं जी, ये पूरी डिटेल आ जाएगी, कॉलर का नंबर, हम कॉलर को कॉल करेंगे कहाँ से क्या समस्या है जी, उसका गांव पूछेंगे, फिर उस लोकेशन पे चले जाएंगे एंड रूट करके। तो अभी कितने टाइम लगता है पहुंचने के लिए, कितना कितने समय? ग्रामीण इलाके की बात करें, ग्रामीण के 20 मिनट दिए हैं जी, उससे पहले ही पहुंच जाएंगे। हाँ जी, 20 मिनट से। सुरक्षा के यंत्रों की बात करें, किस तरह की सुरक्षा यंत्र आपको मुहैया कराए गए? सभी तरह के टूल हैं जी इसमें, हर तरह के किसी भी समस्या को मतलब समाधान के लिए सारे टूल हैं इसके अंदर। देखो रात का समय है इंद्रेश भाई, किसी तरह कोई समस्या का सामना करना पड़ता है आपको रात के समय, किस तरह हुई है समस्या आपको? भाजी कोई समस्या नहीं आती वैसे तो, स्टाफ अच्छा है, सभी मिलजुल के मतलब समस्या का समाधान करते हैं, कोई चक्कर नहीं किसी प्रकार का। अच्छा, बात करें कॉलिंग की, कितनी कॉलिंग की एवरेज अगर निकाली जाए, कितनी कॉलिंग आ जाती हैं रोजाना? 3-4-5 कॉल तो डेली आ जाती हैं। हाँ, तो अभी लोकेशन की बात करें, कहाँ पर लोकेशन आपकी गाड़ी है? लोकेशन ये इंदाना, इंदाना में भी थाना बिछोर के पास। अच्छा, कितनी गाड़ियाँ यहाँ पे दी हुई हैं थाना? इस थाने में 2 हैं जी गाड़ियाँ। 2 गाड़ी? हाँ जी सर। अच्छा, गांव की बात करें, कितने गांव जो है आपके क्षेत्र में आते हैं? इसके गांव कितने? 13 गांव आते हैं सर पूरे। हाँ, डे शिफ्ट के अलग हैं और नाइट के अलग हैं। देखिए गाड़ी को भी आप देख सकते हो, किस तरह से गाड़ी का पूरा पेंटिंग की हुई है, बस एक कॉल दूर पूरी गाड़ी को इतनी फिनिशिंग से बनाया गया है, डिवाइस भी इलेक्ट्रॉनिक में लगाया गया है। 3 पुलिस कर्मचारी हैं जो रात दिन यहां पर जो है अपनी मेहनत करते हैं, लोगों के लिए समस्याओं का मुहैया कराते हैं। और एक बार और बात करते हैं इनसे जी। जी जी, आपका नाम क्या नाम है आपका? मेरा सपाई अमित कुमार। अमित जी, बात करें कितना जो है शिफ्टों में काम करते हो आप यहाँ पे? 2 शिफ्ट बना रखी है हमारी 12-12 घंटे के, एक इंचार्ज है, एक सपोर्ट स्टाफ है और एक ड्राइवर है। आपका काम क्या होता है इसमें? हमारा काम है जैसे किसी भी इवेंट पे जाएंगे तो वहाँ पर कोई जैसे घायल है तो उसको हॉस्पिटल पहुँचाना, और मतलब हेल्प के लिए रखा हुआ एक प्रकार से। सुविधाओं की अगर बात करें, किस किस तरह की सुविधाएं जो है आप मुहैया कराते हो लोगों को जाकर? जनता में मतलब जिस प्रकार भी इवेंट है, कोई लड़ाई झगड़ा है तो वहाँ हमारा पहला काम है लड़ाई झगड़े को शांत करना, कोई घायल हुआ तो उसको हॉस्पिटल पहुँचाना है, एक्सीडेंट है उसको हॉस्पिटल पहुँचाते हैं, जाम लग रहा वहाँ खुलवाएंगे, कुल मिला के शांति बनाना हमारा वहाँ काम है, और वो नहीं है।
जी देखिए, पहले जो है एम्बुलेंस की अलग और फायर ब्रिगेड अलग 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 जो गाड़ियाँ होती थी, लेकिन अब 112 डायल जो है वो हर काम को करती है। जो भी मुख्यमंत्री की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं वो बहुत अच्छी कारगर जो है लोगों के लिए साबित हो रही है। बाकी यहाँ ग्रामीण भी हैं, उनसे भी एक बार जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से जो है ये योजना काम करती है। जी जी, क्या नाम है आपका? हसीन। कौन सा गाँव है? नीम का। हसीन भाई, डायल 112 सरकार की एक योजना शुरू की है, किस तरह से रिस्पॉन्स इसका मिलता है आपको? बहुत अच्छा मिलता है। अभी कभी यूज़ किया है आपने कि भाई कितनी देर में गाड़ी पहुंची आपके पास? यूज़ तो नहीं किया, लेकिन मतलब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। अच्छा, तो अच्छी योजना सरकार ने। बहुत अच्छी है जी। देखिए, बहुत अच्छी योजना है सरकार के लिए। पुनः